Hey guys, it's Achal and welcome back to my channel. Hope you all are doing great and safe. So today I'm going to share this get unready with me video with you guys. So सारे के सारे प्रोडक्ट्स अंडर 200 है, सो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली भी है. तो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने लैशेस उतार दी है, उसके बाद मैं ले रही हूँ स्टेक वॉकी का टेक मी ऑफ मेकअप रिमूवर. इसको पहले शेक करना होता है, उसके बाद मैं पाम पे लेकर लगाती हूँ. सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई कॉटन पैड भी यूज़ कर सकता है. तो मैं पहले इसको मसाज कर लेती हूँ ताकि पूरा मेकअप निकल जाए अच्छे से. उसके बाद पूरा लगा के एक वेट वाइप ले रही हूँ मैं, उसके हेल्प से पूरा उतार दूँगी मेकअप, मतलब धीरे धीरे करके, ज़्यादा हार्श नहीं होना है. इसे निकालने के बाद मैं फेस वॉश कर लूँगी, और मैं फेस वॉश के लिए यूज़ कर रही हूँ हिमालय का फेस वॉश, जो कि 15 वाला है. आप कोई भी ले सकते हो जो आपको सूट करता हो. और उससे फेस वॉश कर लिया, अब मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का ही स्क्रब जो है रोज़. मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट के लिंक दे दूँगी, और इसको मैं अच्छे से स्क्रब कर लूँगी फेस को इससे. अभी फेस वॉश कर लिया है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई है. उसके बाद मैं ले रही हूँ फेस पैक, ये भी गुड वाइब्स का ही है, वाइन है इसका फ्लेवर. और इसको मैं पूरे फेस पे लगा के, कम से कम ड्राई जब तक नहीं होगा 10-5 मिनट में, उस लगा के उसके बाद इसको भी फेस वॉश कर लूँगी. उसके बाद मैं टोनर ले रही हूँ. टोनर के लिए लिया है मैंने मलबेरी का टोनर, गुड वाइब्स का ही है ये भी. और इसको भी पूरे फेस पे लगा लूँगी अच्छे से. इससे जो स्किन का पीएच बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, और काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है स्किन. और उसके बाद मैं सीरम ले रही हूँ गुड वाइब्स का, मारा कोचा सीरम, और इसको भी लगा लूँगी. ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ये सीरम, इसलिए इतना डिफ़िकल्टी हो रहा है निकालने के लिए, और लगा लेना इसे. उसके बाद मैं ले रही हूँ हिमालय का नरिशिंग फेस क्रीम, और उसको भी अपने फेस पे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन के लिए लगा रही हूँ. और कम से कम एक मिनट छोड़ देना है अब्जॉर्ब होने के लिए लगा के. उसके बाद मैं ले रही हूँ हिमालय का ये लिप बाम, और ये काफ़ी सस्ता है पर बहुत अच्छा लिप बाम है. काफ़ी टाइम तक लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है. तो ऑलमोस्ट हो गया स्किन केयर, और अभी आप देख सकते हो स्किन कितनी ग्लोइंग और अच्छी लगने लगेगी. थैंक यू.